नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रविवार को बर्फबारी होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न सड़कों को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, लगभग पूरी मुंबई लूट ली गई है, पूरी लूट गुजरात में जारी है। केवल महाराष्ट्र से ही नहीं, पूरे देश से लूटकर जो कुछ भी मिल सकता है वो पूरा एक राज्य में जा रहा है। बजट 2024 पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की ओर से यही प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला प्रदेश हो, लोग अच्छी उम्मीद रखें। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग के घनी आबादी वाले इलाके में पहले से पिछले 3 दिन में कम से कम 112 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली के मध्य क्षेत्र के जंगल में 2 दिन पहले लगी भीषण आग से रविवार को अग्निशमन विभाग के कर्मियों को काफी झुलना पड़ा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आम चुनाव से ठीक पहले एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 पुलिसकर्मियों की जान चली गई और 6 घायल हो गए हैं। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा और उसके आसपास के इलाके में लगभग 1000 फोर्स की तैनाती की गई है। अनावश्यक की भीड़ को रोकने के लिए विधानसभा और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर एहतियातन बैरिकेटिंग की गई है। यूपी के कानपुर देहात में स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश में स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पलट गई और नाले में जा गिरी। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया समिति की अलग अलग लंबित याचिकाओं पर अदालत सुनवाई करेगी। अदालत हिंदू पक्ष की ओर से वजू खाने का सर्वे कराने की मांग कर भी विचार कर सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर रोक लगाने से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इनकार के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र के घाटकोपर में पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया है। दरअसल भीड़ हटने को राजनीति, जिसके बाद पुलिस की ओर से लोगों को हटाने के लिए हल्की लाठीचार्ज करनी पड़ी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है, जिस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले सीएम ममता ने सूबे में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई के घाटकोपर में गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना की गिरफ्तारी के विरोध में थाने के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक जुट गए। हालांकि कुछ देर बाद मौलाना ने खुद थाने से समर्थकों से शांत रहने की अपील की है। रविवार को नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने की योजना पर शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्षों में महाराष्ट्र में कई परियोजनाएं पूरी हो गई और तैयार हो गई, लेकिन उनका उद्घाटन नहीं किया गया। बिहार में नीतीश कुमार से मिले बड़े झटके से इंडिया गठबंधन उभर ही नहीं पाया था कि महाराष्ट्र में भी एक सियासी टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना चाहता हूं कि हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी नहीं है। भारतीय टेनिस टीम ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए डेविस कप में 4-0 से मात दी है। यूकी भाबरी और साकेत मायरिनी के आसान जीत के बाद युवा खिलाड़ी निकी पुनाचा ने जीत के साथ अपना डेब्यू किया है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की चाल तेज है और ये जोरदार तेजी के साथ ओपन हुआ है। सेंसेक्स की रफ्तार ज्यादा तेज है और निफ्टी थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है। पेटीएम का शेयर लगातार लोअर सर्किट पर है और आज भी 10% की गिरावट के साथ 48.70 टूटकर 438.85 के लेवल पर है। इस साल ग्रैमी अवार्ड में भारत को गर्व करने का मौका मिला है। रविवार को लॉस एंजलिस में हुए 66वें ग्रैमी पुरस्कार में भारत ने 3 अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। इंडियन सिंगर शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 4 म्यूजिशियन ने ग्रैमी पुरस्कार में अपने नाम किए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर रिलीज के दूसरे हफ्ते में भी अच्छी कमाई करी है। फिल्म को उसके दूसरे वीकेंड पर भी अच्छी ऑडियंस मिली है। ऋतिक की फिल्म में 11वें दिन भी काफी पैसे बटोरे हैं और इसी के साथ फिल्म तेजी से 200 करोड़ की कमाई करने की ओर बढ़ी है।
तेजा सज्जा की हनुमान बॉक्स ऑफिस पर रास करी है। इसके पीछे की वजह है पिक्चर की कहानी, अभिनय और VFX। इन तीनों चीजों ने पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। इसी के साथ तेलुगु सिनेमा का 92 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया है, जो अब तक नहीं हुआ था। हनुमान ने वो कर दिखाया है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।